अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सबको खुश रखे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको दिखाऊँगी रमादा प्लाज़ा में क्या क्या है और कहाँ से हम लोग अंदर एंटर होते हैं। सो यहाँ पर है सिक्योरिटी चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक। तो हमने सिक्योरिटी चेक करवा लिया है, बैग्स वगैरह चेक करवाए हैं अपने। अभी मेरे ख्याल से हरम और मरियम पीछे रह गए जी। पापा बस आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो काफ़ी थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से पूल साइड तक, जहाँ हमने जाना होता है। और ये जो है लेफ्ट साइड पे है मेरी, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट चाइनीज़ है, कैफ़े है, पूल बार है, ला टेरेस है और ये हारिस का फेवरेट है। यहाँ पर ना कैफ़े वगैरह हैं, यानी इस अंदर की तरफ। सो हम लोग अभी स्ट्रेट चले जा रहे हैं, बच्चे आगे निकल गए हैं, कुछ बच्चे पीछे हैं। ये है प्यारा सा फाउंटेन और ये बच्चों का रोज़ का रूटीन का काम, टर्टल्स और फिश के साथ मस्ती करते हैं रोज़ आकर, हर रोज़ मीन्स एवरी डे। ये बैठे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे से टर्टल, बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। ये हरम का फ्रेंड है। यस, और ये जो बिल्कुल सामने आपको डोर नज़र आ रहा है, ये मीटिंग हॉल है। हॉल्स एंड डिफरेंट मीटिंग या इवेंट होते हैं, इंगेजमेंट्स वगैरह, निकाह, इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। और ये सामने ये वाले लेफ्ट राइट साइड पे मेरे सारे रूम्स बने हुए हैं। रूम नंबर्स लिखे हुए हैं 709। तो हम लोगों को भी एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था जब हम लाहौर गए थे रमादा में ठहरने का। तो बहुत अच्छा होटल है, होटल सर्विस, फोर स्टार। और ये काफ़ी लंबा सा कॉरिडोर है, यहाँ पे भी बाय द वे सारे रूम्स हैं, सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे, रेस्ट चिल माहौल में रेस्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी लंबा सारा कॉरिडोर है, बारबेक्यू पूल साइड है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि हमें काफ़ी चलना पड़ता है। ये है रिसेप्शन और ये इंस्टीट्यूशन है क्राउन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। यहाँ से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। स्टडीड ये है रिसेप्शन। ये सारा ग्राउंड है, यहाँ पर अक्सर वो मैच वगैरह होते हैं ना, कोई इवेंट होता है। बसंत फेस्टिवल में हम लोग एक दो दफ़ा आए हुए हैं। बसंत फेस्टिवल जी, फ्लाई काइट्स फेस्टिवल। और जब कोई एक दफ़ा हमने इधर मैच भी देखा था पाकिस्तान इंडिया का, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीत गया था। नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का हमने इधर मैच देखा था और पाकिस्तान जीत गया था उस टाइम, बहुत टाइम हो गया। सो ये हमारा टेबल जो हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, यहाँ पे हमने अपने बैग्स वगैरह रख दिए हैं और हमने अपने ग्लासेस उतारे हैं। तो पहले मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि सबकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। अब थोड़ा सा रश कम हुआ, आज वैसे ना रश बहुत ज़्यादा था। और ये एक चिड़ा जो है, इसको भूख लग रही है, इस लड़के को हर वक्त भूख लगी रहती है। यहाँ पर जो एरिया है ना सारा, ये है डाइनिंग, यहाँ पर आप कुछ भी मंगवा के खा लो जो कि इनके मेन्यू में है। ये सारा डाइनिंग एरिया है। और यहाँ पर आ चुके हैं फ्राइज, काफ़ी देर बाद सर्व किए हैं। मरियम वहाँ हमजा को बिठाओ उस चेयर पे। और सब कुछ मिलेगा। मरियम तुम उधर हो जाओ, हमजा को इधर शिफ्ट कर दो। तो मगरिब की अजान हो चुकी है और सारी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। अच्छा, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये सेक्शन है सारा डाइनिंग का, हमने जैसे यहाँ पे बैठ कर भी फ्राइज़ खाए। और वो जो पूल के उस तरफ है ना, वो है शीशा सेक्शन, हुक्का सेक्शन, वहाँ पे सब
डाइन इन नहीं करते, कुछ खाते पीते नहीं है, बस हुक्का शीशा पी रहे होते हैं सारे। और ये यहाँ का बार एरिया है, मीन्स अल्कोहल एरिया, यहाँ पे फॉरनर्स वगैरह ज़्यादातर बैठे होते हैं। ये है टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट है और साथ में लाइट्स अभी ऑन नहीं है, ऑफ है, कोई जॉगिंग करने आता है, जॉगिंग ट्रैक भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है इधर, अगर किसी ने वॉक करनी हो। फुटबॉल, हाँ ये यहाँ का प्लेइंग एरिया है ना, आउटडोर गेम्स। नहीं पा रही, अंधेरा हो रहा है, डार्क है, अभी कोई आता है ना लाइट ऑन करवाते हैं, इट्स टू डार्क। क्यों चढ़ना है, चलो स्विमिंग पूल में पारी, पूल के अंदर जाएं। और यहाँ पर ज़्यादातर फॉरनर्स ही बैठे होते हैं, चाइनीज़ जापनीज़, पता नहीं ये बच्चे थकते ही नहीं हैं सारा दिन। खेल मैम ये पकड़ो, से हम लोग आए हुए हैं और इनकी मोरी है, स्विमिंग स्विमिंग। इब्राहिम और इब्राहिम और अली ने तो काफ़ी हद तक सीख लिया है। और ये इब्राहिम, हर स्नो, यस। सो यहाँ पर अब आ चुकी है आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, जो फ्लेवर मैं पूछ रही थी ना कि ये है, कोई भी फ्लेवर नहीं था, ना वनीला फ्लेवर था, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी नहीं थे, सो फिर चॉकलेट ही लेना पड़ा। और मैं और हारिस ये आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी आइसक्रीम है, मज़े की, क्वान्टिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये चॉकलेट चिप आइसक्रीम है, तो गर्मी के मौसम में खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हारिस को मैंने अभी चेंज करवाया है, क्योंकि हारिस कह रहा था मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मैंने अभी हारिस को कपड़े चेंज करवाए हैं। और इसकी मूड तो देखो, इसका चीज़ पराठा खाना है। क्या खाना है जी? चीज़ पराठा खाना है। और क्या खाना है? और फ्राइज खाने हैं। फ्राइज तो नहीं है चुके हो। और मंदी, मंदी क्या होता है? चिकन मंदी। और अब घर जाके हम खाएंगे मटन कढ़ाई। मंदी वंदी कोई नहीं है, ये फोर्क छोड़ते हैं, आपको चोट लग सकती है। चलें पारी घर, मामा थक गई हैं, अब घर चलें। हाँ अब इधर फ्राइज खाए जा रहे हैं स्विमिंग के बाद। और स्विमिंग पूल्स के बिल्कुल बैक साइड पे ये जकूजी बनाया हुआ है, वार्म वाटर है, यहाँ पर जब बच्चे स्विमिंग वगैरह कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर है नीम गर्म पानी, और इब्राहिम और हम हारिस को यहाँ पर आने का बहुत ज़्यादा शौक है, जब भी वो स्विमिंग से फारिग होते हैं ना तो फिर लाजमी यहाँ का चक्कर भी लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने जकूजी छोटा सा बनाया हुआ है, ताकि बॉडी भी रिलैक्स हो जाए स्विमिंग कर कर के। बच्चों की टांगे पैर थक जाते हैं रात को, जब घर आते हैं ना तो मुझे सबकी टांगे, हारिस की और हमज़ा की तो स्पेशली, मुझे इनके हाथ और टांगे दोनों दबानी पड़ती हैं, क्योंकि दर्द हो रहा होता है। और अभी नए नए ज्वाइन किए इन्होंने स्विमिंग क्लासेस, तो खैर बच्चे इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी स्विमिंग को, क्योंकि मौसम गर्म है और गर्म मौसम में सिर्फ़ और सिर्फ पानी में जाने का ही दिल करता है। तो पानी थोड़ा सा, वैसे हरम से मैंने पूछा था, हरम कहती स्विमिंग पूल का पानी ना थोड़ा थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन फिर भी बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। और बहुत ज़्यादा आजकल तो बस रोज़ शाम जैसे ही होती है, कहते हैं हमने जाना है रमादा प्लाज़ा जाना है, स्विमिंग करने जाना है, तो फिर कभी मैं ले आती हूँ, कभी इनके बाबा इनको ले आते हैं, तो इस तरह से सारी शाम आजकल हम लोगों की गुजर रही है बाहर ही रमादा प्लाज़ा में। कभी किसी दिन कुछ खा लेते हैं और किसी दिन बस ऐसे ही बच्चों को घर ले आते हैं, घर आके फिर रात का खाना खाते हैं। हारिस चेंज करने गया वॉशरूम में और बच्चे फिर से इस तरफ आ गए हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम लोग घर पे आ चुके हैं। आके मैंने बैग वगैरह खाली किए हैं। ये हमारे बैग्स हैं जो हम लेके जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। इसके अंदर बच्चों के कपड़े रखती हूँ एक्स्ट्रा, और गीले कपड़े शॉपर में डाल के ले आती हूँ। गीले कपड़े जो थे जिसमें बच्चों ने स्विमिंग किया वो मैंने बाहर डाल दिए हैं तारों पर। बच्चों को खाना वाना सब खिला दिया हुआ है, और अब बच्चे बस लेटे हुए हैं। इनको कह रही थी कि सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि लेकिन ये जल्दी सोते नहीं है ना, क्योंकि सुबह देर तक सोए रहते हैं सारे। और वैसे तो हारिस रमादा प्लाज़ा में इतना थका हुआ होता है कि मैं थक गया हूँ। घर आके ये हाल देखें क्या करता है। ये सारा कुछ अभी मुझे वाइंड अप करना है, समेटने हैं सारे खिलौने वगैरह सारे। इसने ब्लैंकेट और फ्रीज भी ऊपर से नीचे यहाँ से यहाँ रखते हैं हम इस वाले बेड पे। और हम बंद जो कि ब्लैंकेट और फ्लीस मैं इस वाले बेड पे रखती हूँ, हारिस ऊपर चढ़ के सारे नीचे गिराता है। जिस जिसको चाहिए होता है वो ले लेता है। हरम आज आपके ऊपर, आपने आज ऊपर सोना है? बाय, आप कल भी तो सोए थे ऊपर। इब्राहिम ने दे दिए, इब्राहिम ने आपको ऊपर वाला बेड दे दिया। चलो ये लो फिर अपना ब्लैंकेट, हारिस ने नीचे गिराया, ये लो। हरम पकड़ो बेटे, जल्दी पकड़ो, इट्स टू हैवी, तो आप जोर लगाओ, पुश करो इसको ऊपर। हारिस चलें, आपका फ्लीस मैं नीचे रख रही हूँ, मेरे साथ सोगे। यहाँ पे इब्राहिम सोएगा इस बेड पे। और ये फ्राइज किसने यहाँ पे रखे हुए हैं? हारिस आपने रखे हैं ना फ्राइज? नहीं, अब नहीं खाने, रात को पेट में दर्द होगा। आप खा के आए हो ना, उधर से भी खा के आए हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का। सो फ्रेंड्स, ये देखें मस्ती, बस करो मस्तियाँ। आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं आपसे एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हमजा आपका दूध पड़ा हुआ, दूध पियो, जल्दी उठो, एक सेकंड में उठ जाओ हमजा। अल्लाह हाफिज़।